अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो बनाने का, इसमें मैं आप लोगों को अंडे का पराठा बना के दिखा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जी चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने दो अंडे लिए हैं। इसमें मैंने ये सूखा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, ये हमारा नमक और मिर्च मैंने शामिल किया है। ठीक है, धनिया और डालेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब हम परांठा बनाना स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए इसका रिजल्ट। मैंने तवे को गर्म कर लिया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी तवे के ऊपर। मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है, अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। व्यूअर्स, मैंने इसके ऊपर पराठा डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसके बाद आप देखिएगा व्यूअर्स, पराठे की हमारी एक साइड पक चुकी है। अब मैं दूसरी साइड चेंज कर दी है मैंने। ये देखिएगा इसका रिज़ल्ट, आप खुद देखिएगा कि किस तरीके से बनता है। इसको अच्छे तरीके से पकाना है, लाइट लाइट सा, बहुत मज़े का बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सुबह के नाश्ते के साथ बहुत अच्छा लगता है। हमारे परांठे की एक साइड, दो साइडें दोनों बन चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। जी व्यूअर्स, मैंने अंडे को लगा के साइड को चेंज कर दिया है। आप देखें हमारा पराठा कैसे तैयार होता है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। जी व्यूअर्स, हम साइड को चेंज करते हैं। ये देखें हमारा पराठा गर्मा गर्म तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा ये धनिया ऐड करेंगे, सूखा धनिया। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा पराठा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अंडे वाला सिंपल पराठा है ये, इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और आप हमें मुझे बताइएगा आप लोगों को ये अंडे वाला पराठे वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी व्यूअर्स, ये हमारा पराठा और दही है, इसके दही के साथ ट्राई कीजिएगा और ये बहुत मज़े का है।